Assalamu alaikum. Today we are going to study about double fertilization topic. हमारा 1.9 है double fertilization. देखिए, fertilization हमें पता है कि fertilization क्या है. Fertilization is a fusion of male and female gamete. है ना, एक process है जिसमें क्या होता है, fusion होता है male और female gamete का. अब यहाँ पर हमें पढ़ना है डबल फर्टिलाइजेशन, तो मीन्स यहाँ पर क्या होगा, दोबारा फर्टिलाइजेशन होगा. तो देखिए, हमने जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में देखे थे, क्या दो मेल गैमेट क्या हो रहे थे, फॉर्म हो रहे थे, है ना. दो मेल गैमेट पोलन ग्रेन में क्या हो रहे थे, फॉर्म हुए थे, प्रोड्यूस हुए थे, है ना, उसका डेवलपमेंट हुआ था. तो तब उनका फर्टिलाइजेशन मतलब उनका फ्यूजन होना ज़रूरी है. तो वो कैसे होता है, अब हमें आज स्टडी करना है कि ये क्या होता है, कि उसे कैसे क्या क्या कहते हैं. एक टर्म दिया हुआ है जो कि डबल फर्टिलाइजेशन है. तो देखिए, पहले हम इसे रीड कर लेते हैं, फिर से समझेंगे. पहले पैरा को हम रीड कर लेते हैं. डबल फर्टिलाइजेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म इन द फ्लावरिंग एंजियोस्पर्मिक प्लांट. एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है ये डबल फर्टिलाइजेशन. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय नवास्टीन इन द लिलीएशियस प्लांट लाइक लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया. तो क्या होता है, ये नवास्टीन जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसे डिस्कवर किया है डबल फर्टिलाइजेशन को. तो डबल फर्टिलाइजेशन में देखिए क्या होता है, कि अब हमें उसे डायग्राम के थ्रू, इस जो ये उसकी जो डायग्राम है डबल फर्टिलाइजेशन के, इस डायग्राम के थ्रू हमें इसे समझना है. तो चलिए हम इसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, देन हम ये इसके पैरा को भी रीड करेंगे और वर्ड टू वर्ड उसे समझेंगे, दोबारा समझेंगे. तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि क्या है डबल फर्टिलाइजेशन इस डायग्राम के थ्रू. तो देखिए, ये डायग्राम है हमारी डबल फर्टिलाइजेशन की, के लिए डबल फर्टिलाइजेशन कैसा होता है. तब डबल फर्टिलाइजेशन कैसे कायम होगा, मीन्स स्टिग्मा पर क्या होगा, लैंड होगा पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन ट्रैवल होकर पोलन ट्यूब के थ्रू कहाँ पर जाएंगे, ओव्यूल के पास. तो हमने ओव्यूल की स्टडी कर ली है ना. ये हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है ना, एनाटोपस ओव्यूल. और हमने उसी में क्या देखे थे, कि ये स्ट्रक्चर को स्टडी किए थे, एम्ब्रियो सैक, है ना, तो जो कि 7 सेल और 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है. तो क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन यहाँ पर आकर स्टिक होता है, मीन्स स्टिग्मा पर आकर लैंड करता है, और वो पोलन ट्यूब के थ्रू ट्रैवल करते हुए इस स्ट्रक्चर पर पहुँचता है, मीन्स एम्ब्रियो सैक पर पहुंचता है. तो देखिए, हमको क्या देखना है, कि ये स्टिग्मा पर आकर ये लैंड हुआ पोलन ग्रेन, और यहाँ से उसने ट्यूब फॉर्म की, और ट्यूब के थ्रू वो कहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर ओव्यूल के पास. ओव्यूल से कहाँ पर फ्यूज होगा, अंदर जाकर उसके एम्ब्रियो सैक में फ्यूज होगा, है ना, जो कि इस टाइप का स्ट्रक्चर है हमारा. यहाँ पर एंटीपोडल सेल है, यहाँ पर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जिसे सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, और यहाँ पर क्या होते हैं, 3 सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि सिनर्जिड कहलाते हैं, और बीच में क्या होता है, एक्स सेल होता है ना. ऐसा स्ट्रक्चर हमने देखे थे. तो क्या होता है कि ये स्टिग्मा है हमारा, और यहाँ से पोलन ग्रेन यहाँ से आकर लैंड हुआ, और ये पोलन ट्यूब के थ्रू क्या स्टाइल के थ्रू एक पोलन ट्यूब फॉर्म हुई, और ये यहाँ से ट्रैवल करते हुए पोलन जो मेल गैमेट है वो ट्रैवल करते हुए यहाँ पर पहुँच रहे. तब देखिए, ये ऐसे यहाँ से आए, तब यहाँ पर इंसर्ट होंगे. तो यहाँ पर दो मेल गैमेट है ना, तो पहला मेल गैमेट क्या होता है, ओव्यूल में आकर एग के साथ फ्यूज होता है. तो क्या होता है कि पहले यहाँ पर एक कवरिंग होती है, तो ये जो सिनर्जिड सेल होते हैं, तो वो उसे रप्चर करते हैं, मीन्स वो अपने मीन्स वो वाटर को रिलीज करते हैं, और उसके थ्रू क्या होती है, जो वॉल है रप्चर्ड होती है,
और उसी के साथ क्या होता है, जो मेल गैमेट पोलन ट्यूब के थ्रू अंदर इंसर्ट होते हैं। तो पहला मेल गैमेट क्या होता है, एग के साथ फ्यूज होता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एग प्लस मेल गैमेट सेल। तो क्या होता है कि पहला एग, जो पहला मेल गैमेट होता है तो एग के साथ फ्यूज होता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिनगैमी, है ना, सिनगैमी। देन क्या होता है, जो दूसरा मेल गैमेट होता है तो वो क्या करता है कि सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जाकर फ्यूज होता है ना, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस सेकंड मेल गैमेट जो कि दूसरा मेल गैमेट होता है, तो वही क्या कहलाता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है। मीन्स यहाँ पर क्या होगा, ट्रिपल फ्यूजन। तो देखिए ये सिनगैमी ट्रिपल फ्यूजन कैसा हो रहा है, देखिए ये हमने क्या देखे थे, जब हमने एनाट्रोपस ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर को स्टडी किए थे, तो हमने ये सेल के नेचर को भी स्टडी किए थे कि हैप्लॉइड कौन से सेल है इसमें और डिप्लॉइड कौन से है। तो हमने ये देखे थे क्या, सिनर्जिड एक्सेल ये सब क्या है, हैप्लॉइड है, मीन्स एन है, और हमारे जो मेल गैमेट, जो नॉन मोटाइल मेल गैमेट है वो भी क्या है, एन है। तो एन प्लस एन यहाँ पर क्या हो रहे, डिप्लॉइड है ना, 2n, जो कि क्या बना रहे हैं, जाइगोट फॉर्म कर रहे हैं, है ना, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, जाइगोट, है ना, जाइगोट फॉर्म कर रहे हैं। तो इसी के साथ क्या हो रहा है, लेकिन ये हमारा जो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो क्या है, उसका नेचर क्या है, डिप्लॉइड है ना, ये क्या थे, 2n थे, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है हमारा क्या है, 2n था। तो अब 2n यहाँ पर लिखती हूँ, ये 2n प्लस n बनाकर क्या हो रहा, 3n, मीन्स ट्रिप्लॉइड फॉर्म हो रहा है। तो इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है ना। क्या हो रहा है कि देखो, मेल गैमेट ट्रेवल करते हुए पोलन ट्यूब के थ्रू पहला मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज होगा, देन एग के साथ फ्यूज होगा, देन काय से फ्यूज होगा, यहाँ पर क्या देखिए हमने, एग के साथ फ्यूज हो रहा है और मेल गैमेट जो कि क्या कहला रहा है, सिनगैमी, जो कि क्या फॉर्म कर रहा है, जाइगोट फॉर्म कर रहा है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, जाइगोट फॉर्म हो रहा है, जो कि एन प्लस एन क्या बना रहे हैं, 2n, है ना, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है दूसरे मेल गैमेट से, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है। मीन्स क्यों, क्योंकि हमने देखे क्या, सेकेंडरी जो न्यूक्लियस है, जो बीच में जो न्यूक्लियस है एम्ब्रियो सैक में, तो वो क्या होता है, 2n होता है ना, डिप्लॉइड होता है, और ये क्या है हमारा मेल गैमेट, हैप्लॉइड है, तो वो भी क्या है, एन। तो 2n प्लस एन मीन्स ट्रिप्लॉइड 3n, जो कि क्या कहलाता है, ट्रिपल फ्यूजन है ना। तो यही होता है ट्रिपल फ्यूजन। अब आगे हमें क्या, जब हम इसे रीड करेंगे इसको पैरा को, तो क्या होता है कि जो जो सिनगैमी है जिसमें मीन्स जाइगोट फॉर्म हो रहा है, तो वो क्या होता है, जेनरेटिव सेल होता है, मीन्स उससे क्या होगा, जेनरेटिव टाइप का होता है, मीन्स इसमें क्या होता है, सीड फॉर्म होता है इसके थ्रू, मीन्स सीड फॉर्म होगा तो नया प्लांट ग्रो होगा, और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस के थ्रू जो ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, तो उसमें वो वेजिटेटिव टाइप का होगा, मीन्स उसमें जो दूसरे स्ट्रक्चर है प्लांट के, तो वो फॉर्म होंगे उसके थ्रू, और जो फ्रूट में जो स्ट्रक्चर होता है बल्ब एंडोस्पर्म फॉर्म होगा, तो वो क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है, जो कि प्रोड्यूस करता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, है ना। ये क्या है, सिनगैमी, यहाँ पर क्या हो रहा है, जाइगोट फॉर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, और क्या फॉर्म हो रहा है, पेन मीन्स प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो चलिए हम इसे रीड कर लेते हैं। अब आगे हमें इसमें क्या बताया हुआ है कि ये टाइप है इसमें एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल। अब कैसी कैसी एंट्री होती है इसमें पोलन ट्यूब में, तो देखिए क्या होता है इसमें, एंट्री होने का अलग अलग
पैटर्न होता है इसमें, अलग अलग टाइप होते हैं। क्या हमने देखे क्या माइक्रो पाइलर एंड के थ्रू जब पोलन ट्यूब में से मेल गैमेट इंटर होते हैं, ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये माइक्रो पाइलर एंड के थ्रू पोलन ट्यूब इंटर हो रहा है तो उसे क्या दे रहा है टर्म, पोरोगैमी। गैमी मीन्स फ्यूजन है ना। और क्या हो रहा है, ये पोलन ट्यूब है हमारा, ये एक्सेल के साथ फ्यूज हो रहा है, देन ये न्यूक्लियस है। और फिर दूसरा है बी, जो हमारे डायग्राम है तो वो कहाँ से दिख रहा है, ये क्लाजल एंड के थ्रू पोलन ट्यूब इंसर्ट हो रही है और वहाँ से वो फ्यूजन हो रहा है उनका एग सेल के साथ, फिर देन सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ होगा। और तीसरा टाइप है मीजोगैमी। मीजोगैमी मीन्स मिडिल में से। क्या होता है कि ये जो पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब है इंसर्ट होती है अंदर बीच में से, मीन्स उसके मिडिल पोर्शन पे से, मीन्स ओवल के मिडिल पोर्शन पे से ये इंसर्ट होती है। तो ये तीन टर्म दिए हुए हैं, पोरोगैमी, प्लाज्मोगैमी, मीजोगैमी। मीजो मीन्स बिटवीन, मीन्स इसके बीच में से। और प्लाज्मोगैमी हमें पता है कि माइक्रो पाइलर एंड के जो अपोजिट पोजीशन पर होता है क्या है, प्लाज्मो है ना, क्लाजल पार्ट है, तो वहाँ से भी ये इंसर्ट होता है, तो उसे क्या कहते हैं उस टाइप के फ्यूजन को, प्लाज्मोगैमी। और पोरोगैमी मीन्स माइक्रो पाइलर एंड के थ्रू ये इंसर्ट होती है पोलन ट्यूब में से मेल गैमेट। सो दिस इज अबाउट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, मीन्स कैसे कैसे उनके टाइप है फर्टिलाइजेशन के। तो चलिए अब हम उसे रीड करते हैं। तो देखिए ये हमने डायग्राम को को समझ लिया, अब हम उसे पैरा के साथ दोबारा समझते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, हमने फर्स्ट पैरा को पढ़ लिए थे, उसमें इम्पोर्टेंट है कि ये नवाज़ुद्दीन इन्होंने इसे डिस्कवर किया था। देन आफ्टर पोलन ग्रेन हैज रीच द सरफेस ऑफ स्टिग्मा, इट जर्मिनेट एंड फॉर्म पोलन ट्यूब, है ना। हमने क्या देखे कि जब पोलन ट्यूब उस पर स्टिग्मा पर लैंड होता है तो क्या करती है, जर्मिनेट करता है पोलन ट्यूब को, विच पेनिट्रेट स्टिग्मा स्टाइल ओवरी चेम्बर एंड देन इंटर्स ओव्यूला, जो कि क्या होता है ओव्यूल में आकर इंटर होता है। द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज गाइडेड बाय केमिकल सिक्रेटेड बाय सिनर्जिड, इट यूजुअली इंटर्स ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल, है ना। हमने क्या देखे कि ये कहाँ से होता है माइक्रोपाइल, और उसके टर्म देखे थे कि जहाँ पर अगर ओव्यूल माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू हुआ तो उसे टर्म क्या दिया हुआ है, पोरोगैमी, है ना। ये डायग्राम के थ्रू हमने पहले ही समझ लिया कि ये माइक्रोपाइलर एंड के पास से क्या हो रहा है, ये पोलन ट्यूब इंटर हो रही। आगे देखते हैं, बट ये हमारा पहला टर्म है, बट इन सम केसेस इट इज फाउंड टू इंटर थ्रू चिलाजा नोन एज चिलाज्मोगैमी। अब चिलाजा के पास से यहाँ से इंटर हो रहा तो हम क्या बोलेंगे उसे, चिलाज्मोगैमी। एंड इन सम प्लांट बाय पाइसरिंग इन सम प्लांट बाय पियर्सिंग द इंटीग्रमेंट्स कॉल्ड मीजोगैमी, है ना। जब क्या हो रहा है मिडिल में से हो रहा है, मीन इसको ब्रेक कर कर ये इंटर हो रहा है, तो इसे क्या कह रहा है, मीजोगैमी। फाइनली इट पेनिट्रेट एम्ब्रियो सैक ऑफ ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड, है ना। अब देखो यहाँ पर हमारा इंटर हो गया, अब क्या होता है वहां पर उसका फ्यूजन होगा, तो फ्यूजन कैसा होता है देखिए, द पोलन ट्यूब कैरिंग मेल गैमेट्स पेनिट्रेट इन वन ऑफ द सिनर्जिड, है ना। पोलन ट्यूब में क्या होते हैं, मेल गैमेट होते हैं, वाटर कंटेन ऑफ सिनर्जिड्स आर एब्जॉर्ब बाय पोलन विच रप्चर्ड एंड रिलीज द कंटेन इंक्लूडिंग नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। क्या
होता है कि हमने क्या देखे कि वो रपच्चर करती है वॉल को, है ना। सिनर्जिड सेल एब्जॉर्ब होते हैं पोलन ग्रेन के थ्रू वाटर को, मीन्स वहाँ का प्रेशर के थ्रू वो वॉल रपच्चर्ड होती है। देन एज नॉन नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स आर कैरिड थ्रू हॉलो पोलन ट्यूब, इट इज नोन एज सिफोनोगैमी। तब देखिए, जब ये स्टिग्मा से लैंड होकर ये पोलन ग्रेन यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, पोलन ट्यूब में हो रहा है। और जो आकर कहाँ पहुँच रहे हैं, ये माइक्रोपाइलर है, तो उसे क्या कह रहे हैं, क्या टर्म दिया हुआ है, सिफोनो गैमी, है ना। क्या किसे कह रहे हैं हम सिफोनो गैमी, ये यहाँ ये इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। एज नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स आर कैरिड थ्रू हॉलो पोलन ट्यूब, है ना। नॉन मोटाइल जो गैमेट होते हैं कैरिड आउट होते हैं पोलन ट्यूब के थ्रू, तो उसे क्या कहते हैं, सिफोनो गैमी। डेट इंश्योर्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, जो कि क्या करता है, आगे जाकर फर्टिलाइजेशन करते हैं, फ्यूजन करते हैं। सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन आर टू इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अब सिंगैमी होगा और ट्रिपल फ्यूजन होगा, पहले गैमेट के साथ सिंगैमी होगा, देन ट्रिपल फ्यूजन होगा, तो उसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर इवेंट है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं, जो कि एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट में होते हैं। तब सिंगैमी है हमारा पॉइंट आया कि सिंगैमी क्या है, व्हाट इज सिंगैमी। सिंगैमी इज अ फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमेट विथ हैप्लॉइड फीमेल गैमेट, मीन्स एग, टू प्रोड्यूस डिप्लॉइड जायगोट। हमने क्या देखे थे, क्या सिंगैमी हम किसे कहते हैं कि फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमेट, है ना, एन प्लस एन, है ना। हमने देखे कि ये भी हैप्लॉइड है मेल गैमेट, और जो कि हैप्लॉइड फीमेल गैमेट मीन्स एग के साथ फ्यूज हो रहा है, और क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है, डिप्लॉइड जायगोट 2n, ये क्या है 2n। देन वेयर एज ट्रिपल फ्यूजन, फिर सेकंड मेल गैमेट का फ्यूजन होगा, तो ट्रिपल फ्यूजन जो दूसरा इवेंट है, तो क्या होता है कि सेकंड हैप्लॉइड मेल गैमेट फ्यूजेड विथ डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। जो दूसरा मेल गैमेट है जो कि हैप्लॉइड है, वो फ्यूज होता है डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि डिप्लॉइड होता है, मीन्स एन प्लस 2n, है ना। ये क्या है, हमारे मेल गैमेट है हैप्लॉइड, और ये डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस है जो कि ओवियोल में प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक में, और जो कि क्या होता है, आगे जाके क्या प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूसिंग प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन डेट डेवलप इंटू ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म, है ना। 2n+n क्या फॉर्म हो रहा है, ट्रिप्लॉइड फॉर्म हो रहा है ना, 3n फॉर्म हो रहा है, तो क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म। अब ये इंडोस्पर्म क्या है, इंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू, आगे हमें उसे स्टडी करना है जो नेक्स्ट टॉपिक है। द जायगोट डेवलप इंटू एन एम्ब्रियो सिंगैमी इज अ टाइप ऑफ जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। हमने क्या देखा है कि सिंगैमी कौन से टाइप का फर्टिलाइजेशन करती है, जेनरेटिव, मीन्स सीड को फॉर्म करती है। और वेयर एज जबकि ट्रिपल फ्यूजन इज अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन है, हेयर बोथ द मेल गैमेट्स पार्टिसिपेट एंड देयर फॉर इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ और कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। यही है डबल फर्टिलाइजेशन, क्या हो रहा है, जब बोथ मेल गैमेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द फर्टिलाइजेशन में, तो उसे क्या कह रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। सो दिस इज अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन, और ये इसके डिफरेंट टाइप है, पोरोगैमी, प्लाज्मोगैमी एंड मीजोगैमी के, यहाँ के इसके थ्रू कैसे पोलन ट्यूब के थ्रू जो मेल गैमेट है इंटर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज से, है ना। पोरोगैमी माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू हो रहा है, प्लाज्मोगैमी क्लाजल एंड के साइड से हो रहा है, मीजोगैमी इंटीग्यूमेंट्स को ब्रेक करके अंदर इंसर्ट हो रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये डबल फर्टिलाइजेशन है। अब इसके जो आखिरी लास्ट पॉइंट रह गए हैं हमारे,
सिग्निफिकेंस, किसकी इम्पोर्टेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, इट इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। इट इंश्योर दैट द पेरेंट प्लांट इन्वेस्ट अ सीड विथ अ फ्यूड स्कोर ओनली इफ द एग इज फर्टिलाइज। ये क्या है? यूनिक फीचर है एंजियोस्पर्म प्लांट का, फ्लावरिंग प्लांट का। इट इंश्योर दैट पेरेंट प्लांट इन्वेस्ट अ सीड एंड फूड स्टोर ओनली इफ एग फर्टिलाइज। क्या होता है जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, सीड भी फॉर्म होगा और फूड भी स्टोर होगा। सीड हमने देखे कि जनरेटिव टाइप में होगा जो कि एग के एग सेल के थ्रू फ्यूज होगा तो वो सीड फॉर्म करेगा, और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म करेगा तो क्या फॉर्म करता है, पल्प फॉर्म करता है ना। न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है एंडोस्पर्म जो कि फूड को स्टोर करता है। द डिप्लॉइड जायगोट डेवलप्स इंटू एन एम्ब्रियो विच कॉन्सिक्वेंटली डेवलप्स इंटू अ न्यू प्लांट। जो डिप्लॉइड जायगोट होते हैं डेवलप होते हैं एम्ब्रियो में, है ना। क्या हो रहा है था कि हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलकर जायगोट फॉर्म होता है जो कि एम्ब्रियो फॉर्म करता है ना, जायगोट फॉर्म होता है और जो डेवलप होता है न्यू प्लांट में। सो दिस इज अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो आज हमने देखे कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देन उसके टाइप्स देखे कि किस किस टाइप से पोलन ट्यूब इंटर होती है इनटू द ओव्यूल, देन इसके सिग्निफिकेंस। देखिए आगे पढ़ते हैं हम, द ट्रिप्लॉइड पेन डेवलप्स, द ट्रिप्लॉइड पेन डेवलप्स इंटू न्यूट्रिएटिव इंडोस्पर्म टिश्यू। पेन मीन्स प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या होता है जो कि ट्रिप्लॉइड होता है ना, सेकंड जो मेल गैमेट होता है वो फ्यूज होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से जो कि डिप्लॉइड होता है। तो क्या हुआ यहाँ पर 2n प्लस एन बनाकर 3n फॉर्म हुए, है ना, जो कि ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म न्यूक्लियस में डेवलप होते हैं जो कि एक न्यूट्रिएटिव टिश्यू है इंडोस्पर्म। इट रिस्टोर द डिप्लॉइड कंडीशन बाय फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमेट विद हैप्लॉइड फीमेल गैमेट। मीन्स सिनगैमी के थ्रू क्या होता है, सिनगैमी में दोनों भी हैप्लॉइड मेल गैमेट और हैप्लॉइड फीमेल गैमेट जो कि एग होता है वो फ्यूज होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू अवॉइड पॉली एम्ब्रियोनी, है ना। इट ऑल्सो हेल्प्स टू अवॉइड पॉली एम्ब्रियोनी, मतलब ये क्या करता है, हेल्प करता है अवॉइड रोकता है पॉली एम्ब्रियोनी को। मीन्स जो मल्टीपल जो बहुत सारे पॉली मीन्स मैनी एम्ब्रियो जो फॉर्म होते हैं उसे अवॉइड करता है। सो दिस इज अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ, दिस इज अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। ओके थैंक यू।